think the girls with their nails done wrong. क्रिएटिव आउटलाइन टेक्स्ट पैक फिल्मोरा का यूज़ करते हुए किस तरह से एडिट किया जाता है, आज की इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देखें तो हमारे पास वंडरशिप फिल्मोरा 12 ओपन है, और यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई जल्दी से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे चैनल को, ताकि आपको इस चैनल के ऊपर इस तरह की वीडियोज़ देखने को मिलती रहे। और यहाँ पर इस टेक्स्ट पैक को बनाने के लिए आपके पास आपकी एक फुटेज होनी चाहिए जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी एक फुटेज ले आता हूँ, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग यहाँ पर अपनी वर्किंग को स्टार्ट करेंगे। अब उसी के बाद मैं इसके अंदर थोड़ा सा मजीद इस इफेक्ट को बेहतर करने के लिए मैं सिंपली इसी फुटेज को कॉपी करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर लाने के बाद एक वीडियो ट्रैक के ऊपर लाने के बाद हम लोग इसी को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मतलब हम अपनी दोनों लेयर्स के ऊपर सेम फुटेज यहाँ पर रखने वाले हैं। अब उसके बाद भाई आपने अपनी फुटेज के ऊपर कर लेने हैं डबल क्लिक, और डबल क्लिक करने के बाद आपने इसके जाना है ए टूल्स के अंदर। ए टूल्स में आने के बाद यहाँ पर आपने जाना है ए स्मार्ट कटआउट के अंदर, और इसको एक्टिवेट करने के बाद आपने सिंपली अपने फिल्मोरा को बताना है कि जी आप किस चीज़ को यहाँ पर रिमूव करना चाह रहे हैं अपनी वीडियो से, ठीक है। सो हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया हुआ है। अब उसके बाद इसकी एड्ज की जो थिकनेस है वो मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, मैं इसको 5 के ऊपर कर देता हूँ, और उसके बाद मैं सिंपली क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो हमारी सिलेक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। अब आपने सिंपली यहाँ पर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, आपकी फोटो यहाँ पर सेव हो चुकी है। अब आपने जाना है अपने सिंपली टाइटल टैब के अंदर, और टाइटल टैब में आने के बाद आपने सिंपली एक डिफ़ॉल्ट टाइटल को अपनी लेयर 3 के ऊपर लाकर लगा देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट टाइटल आ चुका है, इसका साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपकी फुटेज हो आप इसको उतना भी यहाँ पर सेटअप कर सकते हैं। अब उसके बाद सिंपली आपने अपने डिफ़ॉल्ट टाइटल के ऊपर डबल क्लिक कर लेना है, और उसके बाद आपने इसके एडवांस टैब के अंदर चले जाना है। एडवांस टैब के अंदर आने के बाद आप यहाँ पर कुछ भी नेम लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम लिख सकते हैं, यहाँ जो भी जिस भी टाइप की आप यहाँ पर एनिमेशन बना रहे हो हम आप वो यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया आउटलाइन, ठीक है, और इसका जो फॉन्ट है आप यहाँ पर अपने हिसाब से फॉन्ट सेटअप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ जियोमेट्रोस, ठीक है, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट फॉन्ट भी है, जो कि मैं अक्सर यूज़ करता होता हूँ अपने टाइटल्स वगैरह के अंदर, ठीक है। और इसका जो साइज़ है वो हम लोग यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसके अंदर भाई मैं एक और टेक्स्ट ले लूँगा, ठीक है, क्विक टेक्स्ट लेते हैं, और इसके ऊपर भी हम लोग लिख देते हैं आउटलाइन। यहाँ पर मैंने इसके ऊपर भी आउटलाइन लिख दिया, और इसको भाई हम लोग पकड़कर ऊपर की तरफ लगाते हैं, और इसका जो साइज़ है वो हम लोग छोटा कर लेते हैं। मैं इसका साइज़ जो है वो 68 के करीब रखता हूँ, और जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसका जो साइज़ है वो मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ। आपने भाई इसको अपने हिसाब से सेटअप करना है कि आप इसको कितना रखना चाहते हो, किस टाइप की आपको एनिमेशन पसंद है, आप वो चीज़ यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। अब उसके बाद हम लोग भाई अपने एनिमेशन टैब के अंदर चलते हो। एनिमेशन टैब के अंदर आने के बाद आपको लेटेस्ट वर्जन के अंदर काफ़ी सारी न्यू एनिमेशन देखने को मिलती हैं, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर मेरे केस में मैं यूज़ करूँगा टाइप ब्रेटर वाली एनिमेशन, जो कि मेरी फेवरेट एनिमेशन है। मैं सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, मेरी एनिमेशन यहाँ पर अप्लाई हो जाती है। उसके बाद जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर भी मैं सेम वाली एनिमेशन अप्लाई करूँगा, ताकि जब हमारी एनिमेशन बने, फाइनल एनिमेशन बने, तो हमें जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा देखने में मिले। अब उसके बाद यहाँ पर यह चीज़ हमारी रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा मैं एनिमेशन का जो ड्यूरेशन है वो थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ, ठीक है, लाइक दिस। अब उसके बाद हम लोग इसकी आउटर एनिमेशन को देख लेते हैं। तो आउटर एनिमेशन के ऊपर भी मैं यहाँ पर अपनी टाइप राइटर वाली ही एनिमेशन यूज़ करूँगा, और आपको भी ये रिकमेंडेशन है कि जब आप लोग एनिमेशन के ऊपर काम करें तो आप लोग कोशिश करें कि आप उसकी इन और आउट वाली एनिमेशन को तकरीबन सेम ही रखें, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने इसको भी अप्लाई कर दिया, और जो मेरा ऊपर वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर भी मैं अपने आउटर वाली तरफ सेम एनिमेशन ही अप्लाई करूँगा। अब उसके बाद मेरी एनिमेशन का काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, मैंने यहाँ पर अपना टेक्स्ट वगैरह रेडी कर लिया हुआ है। अब उसके बाद भाई हम लोग सिंपली यहाँ पर अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। हमारा जो टेक्स्ट है वो हमारी फोटोज के ऊपर लग चुका है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने सिंपली अपने इसी टेक्स्ट लेयर के ऊपर कॉपी कर लेना है, ठीक है, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर आउटलाइन टेक्स्ट पैक अप्लाई करना है। तो आपने सिंपली इसको कॉपी कर लेना है, और नीचे वाली जितनी भी लेयर्स हैं इनको आपने हाइड कर देना है। अब उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेनी है, ठीक है, ऐड वीडियो ट्रैक, और यहाँ पर जाने के बाद आपने इस लेयर को सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी लेयर को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब आपके पास दो एक जैसी लेयर्स आ चुकी हैं, जिनके ऊपर आपका सेम टेक्स्ट और एनिमेशन अप्लाई हो चुकी है। अब आपने जो आपकी टॉप लेयर है इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर लेना है, और इसके आपने एडवांस टैब के अंदर चले जाना है। एडवांस टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपने सिंपली इसकी फिल को बंद कर देना है, ठीक है, और इसके आउटलाइन को आपने एक्टिवेट कर लेना है, और इसके अंदर से आपने इसको वाइट कलर के ऊपर सेटअप कर लेना है। इसकी थिकनेस को आप अपने हिसाब से रख सकते हो कि जितना आपको चाहिए। मैं यहाँ पर इसकी जो थिकनेस है उसको 2 के ऊपर यहाँ पर सेटअप कर रहा हूँ। अब उसके बाद जो नीचे वाला टेक्स्ट है इसके ऊपर भी सेम हम लोगों ने इसके फिल को बंद कर देना है, इसकी आउटलाइन को एक्टिवेट करने के बाद इसके कलर को वाइट कर देना है, ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है इसको मैं यहाँ पर 2 सेटअप कर देता हूँ। अब आपके सामने ये हमारी जो आउटलाइन है ये रेडी हो चुकी हुई है। अब हम लोग सिंपली इसको अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं।
हमारा जो यहाँ पर मल्टीपल टेक्स्ट है वो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है और इसके ऊपर हमारी एक तरह की एनिमेशन भी अप्लाई हो चुकी हुई है। सो यहाँ पर जो हमारी एनिमेशन है वो ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो चुकी हुई है। अब आपने यहाँ पर क्या करना है, जो आपके पास फोर लेयर्स आ जाती हैं, अब आपने इनको अपने हिसाब से अलाइन करना है। आपने इन दोनों टेक्स्ट के दरमियान में अपनी वो फुटेज लेनी है जिसका बैकग्राउंड आपने रिमूव किया था। अब यहाँ पर मेरे पास ये फुटेज आ चुकी है, मैं क्या करता हूँ, मैं दरमियान में एक जगह बना देता हूँ और इसके ऊपर की तरफ लाकर हम अपनी वो फुटेज लगा लेते हैं जिस फुटेज का बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव था। सो हमारा जो इफेक्ट है वो रेडी हो चुका है। मैं सिंपली इस फुटेज को प्ले करता हूँ। हियर इज आवर फाइनल आउटपुट। इस इफेक्ट को मजीद बेहतर करने के लिए आप अपने इफेक्ट्स टैब के अंदर जा सकते हैं और इफेक्ट्स टैब के आने के बाद भाई यहाँ पर आप लोग सर्च कर सकते हैं हार्ट बीट इफेक्ट। अब इस हार्ट बीट इफेक्ट को भी भाई आप अपनी वीडियोज के अंदर यूज कर सकते हैं। इससे जो आपका फाइनल आउटपुट है वो आपको ज्यादा अच्छा देखने में लगेगा। अब मैं इसको सिंपली रेंडर प्ले बैक करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दोबारा से एक बार इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। तो हियर इज आवर फाइनल आउटपुट। ये मैं वीडियो को प्ले करता हूँ तो यहाँ पर आप भी इसका आउटपुट देख लें कि इतना ज्यादा नेक्स्ट लेवल किस्म का हमें यहाँ पर आउटलाइन टेक्स्ट पैक देखने को मिल रहा है, जो कि आप अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि देखने में काफी ऑसम लगता है। आप यहाँ पर मल्टीपल टाइप्स के इफेक्ट को यूज कर सकते हैं फिल्मोरा का यूज करते हुए। अगर आपने फिल्मोरा को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको इसी तरह के फिल्मोरा रिलेटेड ट्यूटोरियल्स देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।